ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। हाँ तेरे को कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वर्ड्स एंड इंडियाज इम्पोर्टेंट इंडेक्स, जो भी विश्व और भारत में के महत्वपूर्ण सूचकांक जो कि विभिन्न रिसर्च एजेंसियों द्वारा निकाले जाते हैं, जिससे विभिन्न देशों की जो है रैंकिंग पता चल पाती है कि कौन सा देश कितना प्रगति कर रहा है उस विशेष क्षेत्र में, तो पता चलता है। तो शुरू करते हैं आपके यूपी पीसीएस और यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्रम में एग्जाम्स में महत्वपूर्ण रहेंगे और प्रतिवर्ष कोई ना कोई सूचकांक का क्वेश्चन आ ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020। रिपोर्ट और सूचकांक जो है ये, इसका ये नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, पब्लिश की जाती है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। सम्मिलित देश इसमें कितने हैं? 189 है। प्रथम स्थान नॉर्वे का है, यहाँ पे मानव विकास सूचकांक फर्स्ट नंबर का है ना, मतलब प्रत्येक नागरिक के जीवन विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरा स्थान आयरलैंड का है, तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड का है, भारत जो है 131वें स्थान पर है। बहुत ही गलत पोजिशन है, गलत स्थिति है, बुरी स्थिति है। तो ये मानव विकास सूचकांक हो गया हमारा, जिसे HDR इंडेक्स भी कहते हैं। HDR इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स है ना, UNDP द्वारा निकाला जाता है इसे, आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, UNDP द्वारा है ये, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। चलिए अगला देख लेते हैं हम। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, यहाँ पे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है ना। तो ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा पब्लिश होती है? ये संस्था है, संगठन है येल विश्वविद्यालय। तो येल विश्वविद्यालय है, इससे पहले ये वर्ष विश्व आर्थिक मंच मतलब WEF द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता था, रिसर्च किया जाता था। इसमें सम्मिलित देश 180 है। प्रथम स्थान डेनमार्क का है, डेनमार्क का। दूसरा लग्जमबर्ग का है, लग्जमबर्ग जो कि आप जानते हैं सबसे धनी राष्ट्रों में से है। और तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड का है, अंतिम स्थान लाइबेरिया का है। भारत का स्थान 168वां है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, एनवायरमेंट डिस्प्ले इंडेक्स कह सकते हैं, है ना, इफेक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं, ये जो येल यूनिवर्सिटी द्वारा है इसे याद रखेंगे, प्रदर्शन सूचकांक को। इससे पहले WEF द्वारा जो है दिया जाता था, बताया जाता था। 180 देश होते हैं, भारत का स्थान 168वां है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला इंडेक्स। अगला इंडेक्स हमारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, मतलब कि करप्शन इंडेक्स सही है ना। ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा पब्लिश होती है? ये होती है संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो हमारी संस्था है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके द्वारा होती है। सम्मिलित देश 180 है। प्रथम स्थान डेनमार्क, न्यूजीलैंड का है। अच्छा, इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज का क्यों पहला स्थान होता है हमेशा? क्योंकि देखिए जनसंख्या कम होती है तो पॉपुलेशन जो है कंट्रोल्ड रहती है, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है अपना 135 करोड़ की आबादी के साथ, तो फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी पाई जाएगी। जितना ज़्यादा सामान होता है उतना जो है चीज़ में मिलावट होने की आशंका रहती है, इसीलिए। तीसरा स्थान सिंगापुर का है, अंतिम स्थान सोमालिया का है। भारत का स्थान 80 है, 180 देश में 80 स्थान है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के मामले में। मतलब अगर करप्शन में देखा जाए तो भारत 180 में से 80 स्थान पर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक देख लेते हैं। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक मतलब कि ग्लोबल, इसको क्या पढ़ेंगे हम, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, मतलब आपके देश में डेमोक्रेसी है अगर तो वो किस लेवल की है ना। तो ये रिपोर्ट जो है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक कहलाती है। ये एक संस्था किसके द्वारा आती है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU जो संस्था है
इसके द्वारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक GDI आता है। सम्मिलित देश 168 सूचकांक में 165 देशों के और दो क्षेत्रों के लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति प्रदर्शित किया गया है। समझे, प्रथम स्थान नॉर्वे का है। देखिए, फिर वही छोटा सा राज्य है, देश आइसलैंड है, इसमें तो आइसलैंड है तो फिर लोग ही बहुत कम है। स्वीडन अंतिम स्थान, उत्तर कोरिया के। यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी बड़ी ही बुरी अवस्था में है, उत्तर कोरिया। नॉर्थ कोरिया है तो आप समझ लीजिए कौन है, किंग जोंग उन, किसी की सुनता तो है नहीं। तो फिर अंतिम स्थान ही होगा भारत का। स्थान 51वां है 168 में, 51वां स्थान है, ये भी बुरी बात नहीं है, सही है, सब कुछ मोदी जी की देन है। तो वैश्विक सूचकांक में, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में 51वां है। अब जैसे 56 इंच का सीना होता है डेमोक्रेसी मोदी जी का, तो उसमें 5 कम कर दें तो 51 स्थान आ जाएगा। इस तरीके से याद रख सकते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक, ये इसका रैंकिंग क्या है इसका देख लेते हैं। तो ये हेनले इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो जारी करता है। सम्मिलित देश 199 है। प्रथम स्थान जापान का है, मतलब अगर जापान का कंट्री का कोई सदस्य है तो उसका पासपोर्ट सबसे A1 माना जाएगा, है ना। दूसरा स्थान सिंगापुर का, अगर सिंगापुर का पासपोर्ट आपके पास हो तो बढ़िया माना जाएगा। साउथ कोरिया का होगा तो भी बढ़िया माना जाएगा। भारत का स्थान इसमें 84 है, ठीक है, 84 कोस की यात्रा करके लोग आते हैं ना, तो इस तरीके से हम 84 याद रख सकते हैं कि 84 कोस की यात्रा करने के लिए जो पासपोर्ट चाहिए होता है वो हेनले पासपोर्ट होता है, तो 84वां स्थान है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट देख लेते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, है ना, ये किसके द्वारा है, ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, सॉल्यूशन नेटवर्क, इस संगठन द्वारा होती है। सम्मिलित देश जो है इसमें 156 है, लेकिन इस समय 153 का ही रैंकिंग है। फिनलैंड प्रथम है, जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था सबसे बढ़िया है, A1 नंबर की फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था है, एजुकेशन नंबर 1 है, है ना। डेनमार्क है दूसरा, जो डेयरी प्रोडक्ट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है डेनमार्क। स्विट्जरलैंड है, ये तो पर्वतों की राना, पर्वतों का ही देश है, बहुत बढ़िया है। और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है, जहाँ पे हमारे कौन से पाए जाते हैं, लिट्टे नहीं, यहाँ पे पाए जाते हैं LTE और भी टेररिस्ट ग्रुप्स ज़्यादा हैं, इसको छोड़ के अभी अमेरिका जा रहा है। भारत का स्थान 144वां है, बहुत ही बुरा है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 144वां स्थान है भारत का 156 देशों में, मतलब कि यहाँ के लोग खुश नहीं हैं, हाँ खुश तो नहीं है, सभी सरकारी नौकरी की चाह में हैं, तो जो उनके पास है भी उसकी भी बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, है ना। तो इसीलिए आदमी खुश नहीं है, 144वें स्थान पे है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अब देख लीजिए, यहाँ पे अर्णब गोस्वामी की कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है, राजीव देसाई की इतनी स्वतंत्रता मिली तो क्या चाहिए। फिर भी 100 सम्मिलित देशों में 180 देश सम्मिलित हैं और उसमें 142वां भारत का स्थान है। प्रथम पे नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क है, ये तो नॉर्वे तो सब में प्रथम ही रहेगा, कोई काम तो होता नहीं है उसमें, कम इतनी कम तो पॉपुलेशन है। और इसका संगठन जो है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जो है संगठन प्रकाशित करता है। हमारा स्थान 142वां है प्रेस स्वतंत्रता में, 180 देश हैं इसमें। आगे कौन सा है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेटिव इंडेक्स 2020, इसमें 132 देशों में भारत का स्थान 72वां है, ठीक है, कम से कम आधे लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये इनसीड के द्वारा जो है प्रकाशित होता है, प्रथम पे स्विट्जरलैंड, ये अमेरिका से कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में अमेरिका दूसरे पे है, तीसरे पे सिंगापुर है, पहले पे स्विट्जरलैंड, कॉम्पिटेटिव इंडेक्स पे लोग हैं अगला, और भारत 72वें पे है। नवाचार में देख लें, इनोवेशन इंडेक्स
इनोवेशन इंडेक्स है ना, जो कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इन सीड बिजनेस है ना, ये है 131 देश हैं इसमें और भारत का स्थान 48वां है। अगला देख लेते हैं, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा है, 153 देश हैं, 112वां स्थान जो है लैंगिक भारत का है। अगला देख लेते हैं हम, जलवायु परिवर्तन सूचकांक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जर्मन वॉच जो संस्था है, जर्मन वॉच ये संस्था जो है, और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये दोनों मिलकर जो है ये जलवायु परिवर्तन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI से कह सकते हैं, सम्मिलित देश 56 है, स्वीडन प्रथम पे है, डेनमार्क दूसरा, मोरक्को तीसरा और भारत का स्थान 9वां है, इसमें बढ़िया काम कर रहा है। अंतिम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, क्यों है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक इसलिए अंतिम स्थान अमेरिका का है क्योंकि हमारे कौन से भाई साहब थे, जो बाइडेन ने तो फिर से कह दिया है, उससे पहले ट्रंप साहब जो थे क्लाइमेट समझौतों को पूरा करने से मना कर दिया था, इसीलिए ये संयुक्त राज्य अमेरिका लास्ट में आ गया है। भारत 9वें स्थान पे, मोदी जी जो है बहुत कुछ बढ़ चढ़ के क्लाइमेट चेंज पर कर रहे हैं, जैसे कि हमारा, हम उसके लीडर हैं, किसके, कौन से ग्रुप के, सोलर अलायंस के है ना, इसीलिए जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका अंतिम स्थान पे, 56 देश, भारत 9वें स्थान पे, प्रथम स्वीडन है, डेनमार्क है, मोरक्को है। अगला आ जाते हैं वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, तो ये जो है अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी GIPC, सम्मिलित देश जो इसमें 53 है, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम है, प्रथम क्यों भाई, अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रकाशित कर रहा है तो अमेरिका को प्रथम रखना ही है। भारत का स्थान 40वां है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में, यूनाइटेड यूके का दूसरा है, फ्रांस का तीसरा है। अगला देख लेते हैं, इसी से संबंधित ये देखिए रिपोर्ट है, न्यूज है। अगला है हमारा सूचकांक, अब जो है हम इस टेबल को इंग्लिश में देख लेते हैं, इसमें कुछ और भी सूचकांक अगर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको हम देख चुके हैं ऊपर, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रकाशित करती है, भारत का स्थान 142वां, 144वां शायद हमने इसके ऊपर पढ़ा था, नॉर्वे प्रथम है। हेनले पासपोर्ट में देखिए 84वां है स्थान, हमने कहा ना 84 को उसकी यात्रा पूरी करके करने के लिए हमें हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा दिया गया पासपोर्ट चाहिए। जापान सबसे बढ़िया है पासपोर्ट जापान का। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, ये देखिए नया आ गया है हमारे पास इसमें, तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जो है ये EIU, ये जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, 49th अपना नंबर है और स्वीडन प्रथम पे है। अब इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर कहें तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड स्टेट्स, ये जो अभी हमने पढ़ा था, हमने कहा अमेरिका में है, US चैम्बर कर रहा है तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो प्रथम होगा, और भारत जो है वो 40वें स्थान पर है। और अगला देख लेते हैं, अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ, अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ, तो ये डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट जो डिफेंस की वेबसाइट है ये देती है, ये अपनी पर्सनल इनकी है, तो फोर्थ इंडिया आता है, चाइना प्रथम है, उसके बाद अमेरिका है शायद, उसके बाद रशिया है ना, तो फोर्थ अपना इंडिया अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ पे। 24th एडिशन ऑफ द एनुअल ग्लोबल CEO सर्वे जो है इसमें प्राइस वाटर हाउस कूपर्स इसमें 5th स्थान है, ये कुछ नया इंडेक्स है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स ये जो है इम्पोर्टेंट है इंडेक्स, ये US बेस्ड थिंक टैंक नेम हेरिटेज फाउंडेशन ये देता है। 121 है अपना इंडिया का इसमें नंबर, सिंगापुर प्रथम है। अब देख लेते हैं 11th QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो ये क्वाकेरेलियो सिमोंस
इसमें भारत की स्टेटस पता ही नहीं है और MIT इंस्टीट्यूट प्रथम है। अब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है तो MIT जहाँ से हमारे आयरन मैन भाई साहब पढ़े हुए हैं, टोनी स्टार्क जहाँ से पढ़े हुए हैं MIT इंस्टीट्यूट से, वही प्रथम आना है। एशिया पैसिफिक, भाई टोनी स्टार्क अच्छा है बहुत लगता है यार। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, जो एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स है वो EIU है ना, इसमें 10th है अपने इंडिया का नंबर, सिंगापुर प्रथम पे है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिस्क जो ज़्यादा ले रहा है तो जर्मन वॉच है, जर्मन वॉच करती रहती है। 7th पे इंडिया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये तो अपने ही पर्सनल नीति आयोग निकालता रहता है, तो कर्नाटक इसमें प्रथम है क्योंकि कर्नाटक में ही बेंगलोर है। कर्नाटक में क्या है, बेंगलुरु, तो वही प्रथम आना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब फायर पावर किसमें है, ग्लोबल फायर पावर निकलता है 4th पे इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स प्रथम पे दिया हुआ है। ग्लोबल फायर पावर ही इम्पोर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट फिर से आ गया, हेनले एंड पार्टनर्स 85वां हो गया यहाँ पे, देखिए वैसे है 84वां, अब शायद 85 हो गया, जापान का प्रथम है। उसके बाद ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स, ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स, ये ब्लूमबर्ग न्यूज निकालती है आपकी, 12th पे इंडिया के लोग हैं, जेफ बेजोस प्रथम है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये तो अपना पर्सनल है इंडिया का, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, हरदीप सिंह पुरी हैं, बेंगलुरु जो है ईज ऑफ लिविंग में सबसे प्रथम है, और उसमें इनोवेशन में भी प्रथम है बेंगलुरु कर्नाटक। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वर्ल्ड का है, इसमें 86वां भारत, ठीक है ना। नेचर इंडेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जो ये इंटरनेशनल साइंटिफिक पब्लिशिंग कंपनी निकालती है, ये 3rd पे भारत है, चाइना प्रथम पे है। नेचर इंडेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, मानव को स्वतंत्रता का इंडेक्स जो है वो अमेरिकन थिंक टैंक काटो इंस्टीट्यूट जो है निकालता है, कनाडा वाला, 111 पे भारत है। अगला देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, तो हम जानते ही हैं अपना यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, 131 पे भारत, नॉर्वे प्रथम पे। क्लाइमेट चेंज, इसमें देखिए लास्ट अमेरिका है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, अब भारत 10वें पे है, पहले 9वें पे था, देखिए 10वें पे आ गया। अ न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, जर्मन वॉच है ये, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्या है, स्वीडन प्रथम पे है। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, प्रजा फाउंडेशन उड़ीसा, देखिए तो इंडिया का ही अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, प्रजा फाउंडेशन ये अपना इंडिया की ही फाउंडेशन है, NGO, उड़ीसा प्रथम पे है अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। अगला देखते हैं ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, अब ये ग्लोबल है तो कॉम्पिटिटिवनेस का ये एडाका ग्रुप, इनसीड और टाटा कम्युनिकेशन करते हैं, 72वें पे भारत है, स्विट्जरलैंड प्रथम पे। 8th ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स है जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, 8th पे भारत, अफगानिस्तान लास्ट में है। ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है 8th पे भारत है, और प्रथम अफगानिस्तान है, मतलब अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP निकालता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स देखिए तो हम पढ़ चुके थे, कोएक्रेलिक सिंडम्स निकालती है यहाँ पे, पहले देखा MIT था प्रथम, लेकिन अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर हो गया है, ये शायद रैंकिंग दूसरी इंडेक्स। US एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA निकालती है, लाहौर जो है सबसे, US एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रथम पे लाहौर है, सबसे बुरी है उनकी इसकी। अब ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स देख लेते हैं, ये फर्जी है। 5th पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, गवर्नेंस चंडीगढ़ है अपना इंडिया का ही है, 5th पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है ना, ये इंडिया का ही है, तो गवर्नेंस के मामले में चंडीगढ़ प्रथम है। वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक, वर्ल्ड की सेफेस्ट बैंक, तो इस लेक्चर में इतना रखते हैं, धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए, अगर पसंद आए और आप कुछ भी फायदा करें तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा।
हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए। क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो।